जब प्रभात करोगे तो काला खुल जाएगा, जो कुछ कोट के अंदर है वो जाहिर हो जाएगा। लिहाजा संभाल करना आपका हक है, जवाब देना मेरा फर्ज है। लेकिन इतना अर्ज करता जाऊं कि जवाब दो किस्म के होते हैं, वो जल्ला यानी होते हैं जिनकी जरूरत नहीं होती दीन में, दर दुनिया में कुछ दुआर ऐसे होते हैं कि दीन और दुनिया में उनकी जरूरत होती है। लाजानी सवाल करने की मजम्मत बारे दुबई है और जानी सवाल करना का तारीफ फर्ज होती है। सवाल वो करना चाहिए जिसकी जरूरत हो दीन में या दुनिया में। एक आदमी ने पैगंबर इस्लाम ने दावा किया, जो चाहो मुझसे पूछो, पैगंबर अकरम का सवाल करना था। एक आदमी उठा और पैगंबर अकरम से पूछा, मेरे बाप का नाम बताओ। पैगंबर अकरम ने उसे असली बाप का नाम बताया तो जाहिर हो गया हराम करता है। बंगला और नाम मशहूर था, पैगंबर ने और आदमी का नाम लिया। दूसरे उठा, या रसूल अल्लाह इतने आलिम हैं तो मेरे बाप का नाम बताएं। पैगंबर ने असली बाप का नाम बताया, उसकी हजामत भी बन गई, राम ज्यादा साबित हो गया। लोग एक आदमी उठा, उसने कहा, या रसूल अल्लाह इस बात को छोड़ें कि तीसरा बाप कौन है। अल्लाह के रजा मांगा, अल्लाह के अल्लाह होने पर, आप नबी होने पर हर रजा दी है, इस बात को छोड़ें कि तीसरा बाप कौन है, किसका बेटा है। पैगंबर अकरम ने जवाब दिया, खालिक अकबर ने आयत नाज़िल की, ला तज़ालू अनचा इन तो दबलकुम दखोकुम। हर सवाल करने वालों, सवाल करने से पहले सोच लिया करो कि सवाल कैसा करना है। अगर बेहूदा सवाल करोगे तो जवाब भी ऐसा होगा, तुम्हें कड़वा लगेगा। मीठा सवाल जवाब चाहते हो तो मीठे मीठे सवाल किया करो। लिहाजा सवाल माकूल हो है जिसकी दुनिया में या दीन में जरूरत होती है। लिहाजा लाजानी सवाल करना अकलमंदों का काम नहीं है। इन तमीजों के बाद मैं अर्ज करूंगा कि सवाल का जवाब ये है कि खालिक अकबर ने ये नहीं फरमाया कि क़यामत वाले दिन लोगों को अल्लाह के नाम से बुलाया जाएगा। ये नबी नहीं फरमाया कि नबी के नाम से पुकारा जाएगा, बल्कि ये फरमाया इमामत की अजमत जाहिर करने के लिए, जल्लाद जल्लाद करने के लिए हर कौम को, हर
لوگوں نے عرض کیا یا رسول اللہ ایسی کوسے کوسے گزریں گے جو بال سے زیادہ بریتا ہے اور سوار سے زیادہ تیز ہے. فرمایا جب تک ہے در قرار کی ولایت والا ٹکٹ ہزائیں ہاتھ میں نہیں ہوگا کوئی مائی کا لال تو جنت دروازے پر بڑے بیٹے وہ دیا جاتا
संग रखता था वो बड़े बेटे को दिया जाता है, लिहाजा बड़े होने की सजा ये है, जजा ये है कि वालिदैन की नमाजें भी पढ़े, रोजे भी रखे, हज बैतुल्लाह वाजिब था, असल नसल रतन माल से कराया जाएगा, तकदीन रवाना फसे पहले ज़कात वाजिब थी, उम्र वाजिब था, लोगों का कर्जा देना था, जो अदा किए बगैर मर गया है, ये असल माल से तकसीम वरासत से पहले ये चीजें अदा की जाती हैं। एक बंदे ने वो कहा, वालिद वाजिद ने बीमारी के वजह सोना पड़ी हूँ, जब किसी लाड़ी की वजह से न पड़ी हूँ, लेकिन बयान पढ़नी चाहिए बेटे बेटे को, लेकिन बांझ मुंह झुकार वालिद माजिद ने वालदाए मरूमा ने नान पूछ कर नमाज पढ़ी हूँ न पढ़ी हूँ, तो बड़े बेटे पर का चट्टी है ये वादा करे। मैंने जवाब में कहा, तू सफर बेगियार हुआ हो, चंद दिनों के बाद जब वापस आए तो वालिद माजिद को हाजिर ना पाए, सवाल करे बाबा कहाँ है, जवाब दिया जाए थाने वाले उसको लेकर के हैं, लितरा ढौरा लिया है, लिहाजा तू जवाब दे, बाबे को छोड़ाएगा या दिल तन मरवाएगा। अम्मा ने कहा, मेरा मेहमान है, उस वक्त पहले छुड़ाने की कोशिश करूंगा, ये तारीख बाद में करूंगा कि नारे वालिद का हुजूर है या कब्बे का हुजूर है। मैंने कहा, तेरे वालिदैन को जानना के लिए तक लग रहे है, लिहाजा देर न तकीर न कर, जान बूझ नहीं पड़ी या किसी वजह से नहीं पड़ी, ताबे को मांगो जानना की आग ज्यादा करने की कोशिश कर, और ताकत कोशिश कामयाब होगी कि वालिद की नमाजें पढ़ी जाएं, वालदा की नमाजों की कजा की जाए। अगर बेटा ना पढ़े, बेटे न पढ़े, बेटा ना पढ़े तो दूसरों का फर्ज है, बेटों बेटियों का, तो वो वालिदैन की नमाजें पढ़ के रोजे रखे वालिदैन को जहन्नम की आग से आजाद कराएं। जी हाँ, अगला सवाल है, उससे सा सवाल करूंगा, मकान या कोई दूसरी जायदाद गिरवी रखना या गिरवी लेना जायज है या नाजायज है? गिरवी रखना जायज है, बशर्ते के जमीन गिरवी में रखी जाए, जो आम कम हो उसको कर देते मीना करना चाहिए, गिरवी शर्त मार दो बगैर मीना किए, कर्जे से कर्जा किए बगैर इस्तेमाल करना आराम है, लिहाजा सोना रखा जाए चार चांदी का देवर रखा जाए तो भी जायज है, जमीन रखी जाए या मकान रखा जाए उसका किराया हो, जो जमीन की आमदन हो उसे किराए से, जमीन की आमदन से अपने कर्जे को बदला करना चाहिए, मीना करना चाहिए, जब पूरा अदा हो जाए तो अमानत वापस कर देनी चाहिए। अगला सवाल है, ज़कात फितरा और सदका में क्या फर्क है, और सदात के पैसे कौन सा आदमी मेरे कहा रखे हैं, जबकि मदारिस दीनिया में सदके के बकरे का गोश्त
خراب نہیں پاتے میرے عزیز محترم. ایک ذات واجب ہوتا ہے, دوسرا مستحبی ہوتا ہے. جو سادات پر حرام ہے غیر سادات کا صدقہ اس پر زکات ہے یا فطرانہ ہے. مستحبی صدقات سادات بھی کھا سکتے ہیں, غیر سادات بھی استعمال کر سکتے ہیں. کو غیر مسلمان غیر سادات خیر کرتا ہے, سادات بھی کھا سکتے ہیں, غیر سادات بھی کھا سکتے ہیں. سفر کی حالت میں عبادت سفر کے لیے کچھ ذریعہ دیا جائے, وہ سادات بھی لے سکتے ہیں, غیر سادات بھی لے سکتے ہیں. بل اتفاق سارے وہ منا قائل اتفاق ہے جو سات کا غیر سادات کا سادات کے لیے کھانا حرام ہے, اس سے مراد غیر سادات کی زکات ہے یا فطرانے کی رقم ہے. ان کے علاوہ سب سادات سادات کے لیے حلال ہے. ماشاءاللہ, میں سوال مختصر کر رہا ہوں اس لیے کہ پانچ گھنٹے سے سوال اللہ شاید آئے اللہ شاید محمد صلی اللہ علیہ وسلم صاحب اللہ نے پانچ گھنٹے بیٹھنے بیٹھنے کر کے لوگوں کے سوالوں کے جواب دیے ہیں. تھکے ہوئے بھی ہیں کیونکہ عدالت بھی ہے, تو ان کی صحت و سلامتی کے لیے بڑا اچھا سوال اللہ میں بھی نہیں ایک چیز اگر نام دو ہیں اللہ نے معاملہ خلق و رز تو حالات و موت کسی بچر کے حوالے نہیں کیا. اللہ خالق ہے, اللہ مالک ہے, اللہ مولی ہے اور ممیز ہے. اللہ کے قبض قدرت میں سب کو جائے. آل محمد وسیلہ ہیں جو ان کے واسطے سے اللہ کی بارگاہ میں سوال کیا جائے, یا اللہ تجھے واسطہ محمد و آل محمد کا, تیرے بیمار کو صحت دے, تیرے بیمار کو صحت دے, میرے اولاد پیدا کر, میرے اولاد دے رزق حلال دے. خالق اکبر تقدیر قدر دیتا ہے. آل محمد کی سفارش رد نہیں کرتا. یہ کہنا اللہ کی طرح آل مرزوق ہے جو حل کرتے ہیں, جو رزق دیتے ہیں, جو موج و آزاد دیتے ہیں. اس کو آدمی دیتا بہت کہا جاتا ہے. اللہ نے پنجن پاک کو پیدا کرنے کے بعد ساری نالان تعینات منتن پاک کے حوالے کر دیا. یہ اللہ یہ پیدا کرتے ہیں, یہ اولاد دیتے ہیں, یہ موت دیتے ہیں, یہ آزاد دیتے ہیں. آل محمد نے اس عقیدہ رکھنے والوں پر لعنت کی ہے, ان کو مشرک کہا ہے. لہذا اللہ کے قبضے میں تمام کائنات کی حقیقی بات جاری ہے. تبارک اللہ بھی ملک باؤلا خود و چین
लेकर इस बन मरियम तक उम्मत पर मुसबत आती थी सफाता रबी और नबियों का देते थे जब मुर्सलीन मसाइल में घर जाते थे तो पाता मोहम्मद वाले मोहम्मद का देते थे। लिहाजा मैंने अपनी किताब आसम बैन में उसूल शरिया में साबित किया है कि अंबिया के वसीला भी मोहम्मद वाले मोहम्मद है। जब नबी मुश्किलात में घिर जाते थे अल्लाह की बारगाह में मोहम्मद वाले मोहम्मद का वसीला पेश करके दुआ फरमाते थे। जाएगी जेकन चार महीने
ਸਾਰੇ ਕਰ ਦੇਗਾ। ਔਰਤਾਂ ਇਹਦਾ ਬਰਬਾਦ ਗੁਜ਼ਾਰੇਗੀ, ਇਹਦਾ ਤੇ ਬਰਬਾਦ ਜ਼ਿਆਦਾ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਚਲਾ ਕੀ ਇਹਦਾ ਤੂੰ ਥੋੜੀ ਹੋਤੀ ਹੈ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਦਸ ਦਿਨ ਜਾਂ ਪੂਜਣ ਜਾਏਗੇ, ਔਰਤ ਬਾਰੇ ਉਹ ਗੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ, ਮੁਰੱਬਲ ਹੱਲ ਹੋ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਰ ਚਾਰ ਬਾਦ ਨਿਆ ਜਾਏ ਉਹ ਅੱਜ ਵੀ ਸਰ ਜਾਏਗਾ। ਲਿਹਾਜ਼ਾ ਲਾਨੀ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਸਵਰ ਬਦਲ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰ ਬਾਸਾ ਸਕਦੀ ਹੈ, ਗਰ ਆਬਾਦ ਕਰ ਸਕਦੀ ਹੈ। ਮੁਹੰਮਦ ਵਾਲੇ ਮੁਹੰਮਦ ਦੇ ਲਈ
नाजर